नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में IREDA स्टॉक को डिस्कस करेंगे और इस स्टॉक के साथ ही जो हमारा दूसरा डिस्कशन होगा वो होगा भेल स्टॉक के बारे में, क्योंकि एक बड़ी खबर दिखी है। तो एपिसोड में आगे बढ़े इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे। कल पूरे रेन्यूएबल सेक्टर में ही तेजी दिखी थी सोलर रूफटॉप के न्यूज के कारण, लेकिन हमने कहा कि 160 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक शॉर्ट टर्म में इसको बिल्कुल कैच मत करना। लोअर साइड पहला तो 120-130 के बीच में धीरे धीरे माल को एक्युमुलेट करो और दूसरा वेट करो 95 और 105 के बीच का। आई डोंट नो वेदर इट विल कम और नॉट, बट इट कैन कम, तो इस चीज को याद रखेंगे। इस समय देखें तो इस स्टॉक में ऑलरेडी 40% गिर चुका है, तो बड़ी गिरावट तो नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन 100 तक के लेवल्स और थोड़ा कंसोलिडेट दिख सकता है, जिस कारण से मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर को बोल रहा हूं कि कौशन बरतेंगे। भेल में एक अच्छी खबर आई। पहली खबर क्या दिखी है, लगभग लगभग 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट NTPC से कंपनी को मिला। द प्लांट विल सेट अप एट एडजेसेंट टू द एग्जिस्टिंग 2000 मेगावाट थर्मल पावर एट सिंगरौली, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। 1600 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिखा है और ये एक अच्छी खबर है। इससे पहले भी हमने जो NTPC है वहीं से ऑर्डर मिलते हुए दिखा था। यहाँ पे आगे देखेंगे लगभग 9500 करोड़ का जो ऑर्डर था वो सिंगरौली से ही हमने लास्ट टाइम कंपनी में आते हुए दिखा था, यहाँ देखेंगे। तो एक बार भेल के चार्ट को देख लेते हैं। भेल के अगर टेक्निकल चार्ट को देखें तो इस समय ये अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया है। यहां देखेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो चुका है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर बिल्कुल कॉशन बरतेंगे और अगर लॉन्ग करना भी है तो मिनिमम जो लेवल है, क्या लेवल है, 240 वाला, ये वाला जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाए कौशन बरते हैं। स्लो एंड स्टडी हो सकता है एक टाइम करेक्शन में ये 180 और 95 के बीच का लेवल दिखे। पर्सनली मैं बुलिश हूं क्योंकि मल्टीपल ट्रेंड दिखा है, तो 360-400 का कैंडिडेट है, लेकिन इट कैन टेक अराउंड 1 ईयर से लेकर के 2.5 ईयर का होराइजन हो।